हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18, इसमें यह बताया गया है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो शादी होती है उसमें सेक्शन 5 के कॉन्ट्रावेंशन में कुछ किया जाता है तो किस तरह की पुनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। इसमें स्पेसिफिकली जो हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 5 है उसके क्लोज 3, 4 और 5 के कॉन्ट्रावेंशन अगर होता है तो वो फिर पुनिशेबल ऑफेंस है, ये बताया गया है। इसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जहां हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 5 क्लोज 3 है उसमें जो है ये दिया गया है कि जो पति और पत्नी जो है यानी कि जो दूल्हा है वो 21 साल से कम का ना हो और दुल्हन जो है 18 साल से कम उम्र की ना हो। अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन में कुछ होता है, उसका वोलेशन होता है तो ऐसे मामलों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, या दोनों भी हो सकता है। इसके अलावा ये दिया गया है कि अगर जो धारा 5 के क्लोज 4 और क्लोज 5 में यानी कि क्लोज 4 में जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए और 5 में स्पिंडर रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए तो वो उसका अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो ऐसे मामलों में जो है 1 महीने तक की सजा और 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 5 के कॉन्ट्रावेंशन में कुछ किया जाता है तो ये पुनिशेबल ऑफेंस है और इसकी जो प्रोविजन जो दिए गए हैं जैसे धारा 5 के क्लोज 3 में जो है शादी चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए ये किया गया है और उसके अलावा जो कस्टमरी जो स्पिंडा या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादियां ना हो उसके लिए छोटी सजा दी गई है तो ये धारा 18 में दिया गया है।